हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओनली टू चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। अब देखो बच्चा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है कि x माइनस टू और x माइनस वन अपॉन टू दोनों फैक्टर किसका है, इस इक्वेशन का है। तो आपको शो करना है p इज इक्वल्स टू r। इसका मतलब कि इस इक्वेशन को आपको दो बार राइट डाउन करना है, तो आइए कर लेते हैं। फिर देखो क्या करना है सर, x माइनस टू इज इक्वल्स टू क्या कर दोगे, जीरो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई। ये क्या हो जाएगा सर, x माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल्स टू जीरो, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, वन अपॉन टू। मैं बता दूं बच्चा कि इससे पहले हमने आपका एक इंट्रोडक्शन का वीडियो डाला था, वो आप ज़रूर देखें। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इक्वेशन क्या है सर, तो ये आपका है पी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस आर इज इक्वल्स टू जीरो। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो गया सर, फिर ये लिख दो पी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस आर इज इक्वल्स टू जीरो। एक्स की जगह क्या पुट करना है, टू, तो पी इंटू टू स्क्वायर प्लस फाइव इंटू टू प्लस आर इज इक्वल्स टू जीरो। तो आपका हो गया फोर पी प्लस फाइव टू जै टेन प्लस आर इज इक्वल्स टू जीरो। ये आपका बन गया इक्वेशन वन। ठीक, यहाँ वन बाई टू पुट करो तो हो जाएगा पी इंटू वन बाई टू स्क्वायर प्लस फाइव इंटू वन अपॉन टू प्लस आर इज इक्वल्स टू जीरो। तो आपका बन गया सर पी अपॉन फोर प्लस फाइव अपॉन टू प्लस आर इज इक्वल्स टू जीरो। एलसीएम ले लीजिए सर फोर पे, तो फोर पर एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया, पी प्लस फाइव टू जा टेन प्लस फोर आर इज इक्वल्स टू जीरो, और फोर उधर चला जाएगा तो इक्वेशन क्या बन गया, पी प्लस टेन या पी प्लस टेन पी प्लस टेन प्लस फोर आर इज इक्वल्स टू जीरो। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करना है सर, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को आपको कंपेयर कर देना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू। तो दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर दोगे बच्चा, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी फोर पी प्लस आर प्लस टेन इज इक्वल्स टू पी प्लस फोर आर प्लस टेन। देखो प्लस टेन से प्लस टेन कैंसिल आउट, क्योंकि इधर आके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो फोर पी माइनस पी, ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा फोर पी माइनस पी, आर को उधर भेज दो इज इक्वल्स टू फोर आर माइनस आर। हो गया फोर पी, पी इधर आके माइनस पी, आर उधर चले गया तो फोर आर माइनस आर। तो ये हो गया बच्चा आपका थ्री पी इज इक्वल्स टू थ्री आर, थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो गया, पी इज इक्वल्स टू कितना हो गया आर, एंड दैट इज़ प्रूव्ड। और यही आपको प्रूव करना था, तो यहाँ पर आप लिखोगे हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था कि p इज इक्वल्स टू आर। इसका मतलब आपको दिया था x माइनस टू और x माइनस वन अपॉन टू एक ही इक्वेशन में दिया था, और बोला था कि ये दोनों ही फैक्टर हैं एक इक्वेशन के, तो प्रूव करिए p इज इक्वल्स टू आर। तो इस तरीके से आपने दो इक्वेशन बना लिया, दोनों को कंपेयर कर दिया और आपका आंसर आ गया। तो चलो बच्चा इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो बच्चों फिर टेंथ वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ पर ये इक्वेशन दिया है x माइनस टू फैक्टर दिया है, फिर क्या बोल रहा है, इसी इक्वेशन को जब x माइनस थ्री से हम सॉल्व करते हैं तो रिमाइंडर थ्री आता है। तो पहले क्या करेंगे, x माइनस टू पर रख करके सॉल्व करते हैं, तो x माइनस टू यानी कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू टू हो जाएगा, x माइनस थ्री नहीं x इज इक्वल टू थ्री, तो पहले हम x इज इक्वल टू टू रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये आपको हो जाएगा टू क्यूब प्लस, यहाँ पर और आपसे क्या पूछा, ए एंड बी का वैल्यू पूछा है ना, देख लें एक बार, हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पर हो जाएगा टू इंटू बी प्लस सिक्स, है ना, एक मिनट, यहाँ पर a भी तो है, a भी है ना, तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू टू स्क्वायर प्लस बी इंटू टू प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये कितना हो जाएगा, टू टू जा फोर टू जा एट प्लस ए कितना हो जाएगा सर, फोर ए प्लस ए कितना हो जाएगा, टू बी प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये आपका क्या बन गया, बन गया फोर ए प्लस टू बी, एट प्लस सिक्स कितना हो जाएगा सर, फोर्टीन इज इक्वल्स टू जीरो। टू कॉमन कर लीजिए बच्चा, तो टू ए प्लस बी प्लस सेवन इज इक्वल्स टू जीरो, टू उधर जाकर के जीरो बन जाएगा, तो टू ए प्लस बी प्लस सेवन इज इक्वल्स टू जीरो, या टू ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना कर देते, चलो टू ए प्लस बी प्लस सेवन इज इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं। चलो ये हो गए। सेकेंड केस में क्या करना है, x इज इक्वल टू थ्री रखना है, यानी यहाँ पर क्या लिखोगे, इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिएगा नाउ, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। और देखो यहाँ पर रिमाइंडर थ्री है, इसलिए यहाँ पर जीरो ना लिख करके यहाँ पर क्या लिखेंगे, थ्री, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर क्या दिया हुआ है, थ्री ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर थ्री पुट कर दो, यानी कितना पुट करना है, थ्री पुट करना है, तो ये आपका हो जाएगा थ्री क्यूब प्लस ए इंटू थ्री स्क्वायर प्लस ए इंटू थ्री स्क्वायर प्लस बी इंटू थ्री प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू थ्री। थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा ट्वेंटी सेवन प्लस नाइन ए प्लस थ्री बी और प्लस सिक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो।
तो 27 आप पहले देखो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3, तो 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, तो 9a प्लस 3b प्लस 30 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन कर लो, 3 कॉमन कर लेंगे तो 3a प्लस b प्लस 10 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0, 3 उधर जाके 0 बन गया, तो ये कितना बन गया सर 3a प्लस b प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन बन गया आपके पास में, ये आपका बन गया सर इक्वेशन नंबर 1, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, और आपको क्या करना है किसी एक वेरिएबल को कट करना है, तो क्या कर दोगे यहाँ पर आप कर देंगे सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 में से 2 को क्या, 2 में से क्या कर दो 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 3a प्लस b प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट करना है तो b से b उड़ गया, 3a में 2a जाएगा कितना गया बच्चा a आ गया, 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 0, तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू माइनस 3 आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया माइनस 3। अब a का वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, तो आप लिखेंगे पुटिंग पुटिंग वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, आओ मैं फर्स्ट में ही पुट कर लूँ, इक्वेशन 1 में ही a का वैल्यू पुट कर लो, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू माइनस 3 प्लस बी प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस 6 प्लस बी प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, 7 माइनस 6 कितना हो गया 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई सर माइनस 1। तो इस तरीके से a का वैल्यू आपका आ गया माइनस 3, बी का वैल्यू आ गया माइनस 1, और क्वेश्चन नंबर 10 हो गया सॉल्व। क्या करना था, एक बार x इज इक्वल टू 2 आपने पुट किया, फिर x इज इक्वल टू 3 पुट किया और 3 रिमाइंडर भी रख दिया आपने, तो इस तरीके से आपका वैल्यू निकल करके a और b का आ गया। अब बच्चा जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के बाकी के क्वेश्चन हैं वहाँ पर आपको फैक्टराइज करना है, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, फिर इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको इरेज करते हैं, वो भी आपको सॉल्व करके बता दे रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा देखो क्वेश्चन में जहाँ फैक्टराइज करने को बोलेगा तुरंत लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैंने दोनों क्वेश्चन लिखा है, हो जाता है तो ठीक, अदरवाइज नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। देखो अब यहाँ पर क्या है, डिविडेंड आपको दिया हुआ है और यहाँ पर आपको डिविजर दिया हुआ है, इसको डिविडेंड बोलते हैं इसको डिविजर बोलते हैं, लिख दो तो आपका हो जाएगा सर एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। और मैंने एकदम अच्छी तरीके से बताया था किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर आपने हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा तब। यहाँ पर आपको क्या लिख देना है एक्स प्लस टू, अब यहाँ पर एक्स की जगह टू नहीं रखना है या माइनस टू नहीं रखना है, देखो यहाँ एक्स क्यूब है किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप कहोगे सर यहाँ एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स है, तो तुरंत आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स आपका हो गया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे तो कितना हो गया सर 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर कर दीजिए माइनस माइनस ये उड़ गया, 13x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 11x स्क्वायर हो गया, क्या उतार लोगे नीचे सर 32x उतार लेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स है किससे मल्टीप्लाई कर दोगे सर, ये प्लस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स से कर देंगे क्योंकि एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर कोफिशियंट भी है क्या कुछ सर 11 है, तुरंत 11 लिख दो यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x सॉल्व कर लोगे 11x इंटू एक्स कितना हो गया सर 11x स्क्वायर प्लस 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 11 टू जा कितना होगा 22x क्योंकि यहाँ पर भी x है, माइनस कर दो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा सर 10x बचा, यहाँ कितना बचा सर 20 बचा, यहाँ क्या है x है यहाँ भी क्या है x है, तो अब यहाँ पर अगर हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है कोफिशियंट से, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर प्लस 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्लस 10 से मल्टीप्लाई करते ही क्या बन जाएगा 10 इंटू एक्स, ये आपका हो गया 10x, 10 इंटू 2 प्लस हो गया 20, और इस तरीके से आपने माइनस कर दिया 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। तो अब क्या कर लोगे बच्चा, फैक्टराइज करना है, यानी इस तरीके से ये आपका क्या होता है रिमाइंडर, ये क्या होता है डिविडेंड होता है, ये डिविजर होता है, कोशेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। नाउ नाउ फॉर्मूला क्या लगा दोगे, तुम पूरा नहीं लिख रहा हूँ, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इस तरीके से लिख करके इसको सॉल्व कर दो। तो डिविडेंड कितना है बच्चा, डिविडेंड जो भी दिया हुआ है ये वाला पार्ट यहाँ लिखेंगे, डिविजर कितना है तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, मल्टीप्लाई किससे कर देना है सर कोशेंट यानी x प्लस 2 से कर दीजिए, प्लस रिमाइंडर 0, तो प्लस यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लस 0 लिखोगे तो 0 ही आएगा,
स्प्लिट द मिडिल टर्म से कर दीजिए, एक्स स्क्वायर कोई दो नंबर बताए जिसको प्लस या माइनस करने पर 11 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। आप कहोगे सर प्लस 10x प्लस एक्स प्लस 10, ये आपका x प्लस 2 एज इट इज़ हो गया। सॉल्व कर लोगे कितना होगा बच्चा, x कॉमन कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 10, प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 10, ये कितना हो गया x प्लस 2। तो आपका इक्वेशन निकल कर कितना आ गया, यानी आंसर कितना आ गया, x प्लस 10 इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, और ये आपका क्या हो गया सर, आंसर हो गया। तो फैक्टराइज करने के बाद ये आपका आंसर आ गया। समझिए क्या करना था, पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड करना था, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला रख करके आपको सॉल्व कर लेना था। क्लियर हुई चीज़, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ भी एज इट इज़ हो जाएगा, ये कितना है सर, इसको करने में मज़ा आएगा, 4x³ प्लस 20x² प्लस 33x प्लस 18। आइए इसको सॉल्व करते हैं, किससे, 2x प्लस 3 से कर दीजिए सर, 2x प्लस 3 से, देखते हैं इस जगह में हो पाता है कि नहीं। अब देखो यहाँ 2x है और यहाँ पर 4x³ है, यानी कि कोफिशियंट इसका 4 है इसका 2 है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, 2 से करना पड़ेगा। यहाँ एक बार x है, यहाँ तीन बार x है, किससे मल्टीप्लाई कर दें सर, x स्क्वायर से कर दीजिए, तब कितना हो जाएगा सर, तो 2 × 4x³, क्योंकि x स्क्वायर और x x³ हो गया, 2x² प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6x² हो गया सर, माइनस माइनस ये उड़ गया, 20 - 6 गया कितना हो जाएगा, तो सर 14x² हो गया, क्या उतार लो यहाँ पर, 33x उतार लेंगे। अब सर यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो क्या कर लोगे, प्लस कर लेंगे भैया, क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। यहाँ x है, यहाँ x² है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से, यानी इसका मल्टीप्लाई x से करोगे तो x² आ जाएगा। कोफिशियंट कितना है, 14, तो 2 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाए, तो आप कहोगे सर 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एकदम आराम से धूमधाम सबका 14 आ जाएगा, तो आओ कर लेते हैं। तो 2x का मल्टीप्लाई 7x से कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 14x² 7 × 3 कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 21x। माइनस माइनस कर दो, ये उड़ गया, यहाँ पर आपने प्लस 18 लिख लिया, ये कितना हो गया सर, ये आपका 33 में 21, 3 - 2 आपका 3 - 1 आपका 2 हो गया, और ये कितना हो गया 12x। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 12 है, किससे मल्टीप्लाई कर लें, तो सर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 × 2 = 12x, 6 × 3 = 18 हो गया, कैंसल आउट हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। जब रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो अब क्या कर लेंगे बच्चा, तो यहाँ पर आप कर लेंगे सेम फार्मूला, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इंटू कोशेंट, प्लस क्या लिख देना है सर, रिमाइंडर लिख देना है, तो डिविडेंड लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम डिवीजर लिखते हैं। डिवीजर कितना है, तो ये आपका है सर 2x², एक मिनट, देखो यहाँ पर जो मैंने डिवीजर की जगह लिख दिया है बच्चा, ये आपका कोशेंट है, ये वाला पार्ट कोशेंट है, ध्यान देना, ये वाला पार्ट कोशेंट है, डिवीजर ये होता है ना जिसे डिवाइड किया जाता है, तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये तो गलत नहीं हुआ, आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, क्योंकि आप 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, आएगा 6 ही, तो ध्यान देना ये आपका क्या है, डिवीजर है, ये आपका क्या है, सॉरी ये आपका कोशेंट है और ये आपका क्या है, डिवीजर है। तो यहाँ पर डिवीजर कितना है, 2x + 3 है, कोशेंट कितना है बच्चा आपका, तो 2x² + 7x + 6 है, पर रिमाइंडर क्योंकि 0 है तो प्लस 0 लिखोगे कोई मतलब नहीं बनेगा। ये आपका हो जाएगा बच्चा 2x + 3, स्प्लिट द मिडिल टर्म 2x² किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाए और 7 आ जाए, 12 और 7 आ जाए, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको प्लस या माइनस करने पर 7 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, तो आप कहोगे सर 4x कर लीजिए प्लस 3x कर लीजिए प्लस 6 = 0, तो 2x + 3 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर 2x कॉमन कर लोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 2x आप कॉमन करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर आ गया x + 2, प्लस 3 कॉमन कर लेंगे तो कितना आ गया सर x + 2, तो आपका यहाँ पर आंसर निकल करके कितना आ गया, 2x + 3 और x + 2, देखो 2x + 3 या इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2x + 3 का होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे x + 2, इस तरीके से आपका क्या होगा आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन नंबर 11th का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट हो गया सॉल्व, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, तो चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो बच्चा अभी ये क्वेश्चन देखा मैं तो मुझे याद आ गया, जैसे शादियों में फूफा लोग नाराज़ हो जाते हैं ना, क्या अरे यार मेरा अच्छे से खातिरदारी नहीं हुआ, मेरे बारे में कोई पूछता नहीं है, हर चीज़ में कमी निकालते हैं, ये क्वेश्चन कुछ फूफा जैसा नहीं लग रहा है। देखो क्या किया हुआ है, कहा है कि प्रूफ करिए, पहले आप शो करिए कि जो x माइनस 10 है ये इसका फैक्टर है, ये जो 3z + 10 है ये इसका फैक्टर है, यहीं पर नहीं, अभी और सुनिए,
इसके बाद आपको इसको फैक्टराइज भी करना पड़ेगा कम्प्लीटली। तो पहले आपको प्रूफ करना है कि देखो भैया मैं आपको मानता हूँ, फिर उनका खातिरदारी भी करना है। तो आइए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर इनको फैक्टराइज भी कर लेते हैं। पहले प्रूफ करो भैया। तो ये आपका क्या है, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ये कितना हो जाएगा? तो सर x माइनस 10 हो गया। चलो ठीक है भैया, आओ मनाते हैं इनको। ये बताइए यहाँ पर x है, यहाँ पर एक्स क्यूब, तो बताने की ज़रूरत है क्या? डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करो सर, एक्स स्क्वायर से कर दीजिए। कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो गया, माइनस कितना हो गया 10x स्क्वायर हो गया। ठीक, माइनस कर दो नीचे, प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। 23 और 10 ये कितना आ जाएगा, माइनस 13x स्क्वायर प्लस 142x। अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे, तभी तो आपका कैंसिल आउट होगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस कर दीजिए, यहाँ x है यहाँ x स्क्वायर है तो x से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 1 है यहाँ 13 है तो 13 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 13x से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे वो भी माइनस में, तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस 13x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस, देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 13 टेंसा कितना हो जाएगा, 130x। अब ये आपका नीचे वाला प्लस हो जाएगा, ये नीचे वाला माइनस हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट, एक माइनस एक प्लस। प्लस 142 में 130 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो सर 12x आ गया। अब महारे को उतारना कितना है, 120। राजस्थान में बोलते हैं ना महारा थारा, है ना, तो 120। अब क्या करोगे, यहाँ पर x, x का कोफिशियंट कितना है, 12 है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। तो कितना आ गया मित्र, इट विल बी 12x प्लस इंटू माइनस माइनस 120। ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट हो गया और रिमाइंडर आपका कितना आ गया, जीरो। तो रिमाइंडर जीरो आया, नहीं फूफा जी मान गए, है ना। अब आइए इनको कम्प्लीटली क्या करते हैं, प्रूफ करके भी दिखाते हैं। तो मैंने वो क्या बताया, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर, डिवीजर कितना है, एक्स माइनस 10 है, इंटू कोशेंट कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12। और क्योंकि रिमाइंडर जीरो है तो प्लस जीरो करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस तरीके से कितना आ गया सर, x माइनस 10, स्प्लिट द मिडिल टर्म करो, प्लस या माइनस करने पर 13 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। तो आप कहोगे सर एक बार ट्राई करके देखिए, माइनस 12x माइनस x प्लस 12, क्या पता काम बन जाए, फूफा जी मान जाए। टैक्स माइनस 10, ये x कॉमन कर लोगे मित्र, टैक्स कॉमन करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा x माइनस 12, माइनस 1 कॉमन कर लोगे और आ गया x माइनस 12, यानी फूफा जी बहुत धूमधाम से मान गए एक ही बार में। तो आपका x माइनस 10 हो गया, ये आपका x माइनस 12 हो गया, ये आपका x माइनस 1 हो गया, और ये आंसर x माइनस 10 x माइनस 12 x माइनस 1 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे इनको भी मनाते हैं, एक फुफा जी मान गए दूसरे को भी मनाते हैं। तो ये आपका हो गया 9z क्यूब माइनस 27z स्क्वायर माइनस 100z प्लस 300। और बच्चों आप लोग खुद से भी ट्राई करो इसको करने का, आप लोग खुद से करोगे मेरे साथ में तो मज़ा आ जाएगा। देखो आप मना पा रहे हो कि नहीं, है ना, देखो यहाँ पर 3 है यहाँ पर 9 है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 3 से कर दीजिए तुरंत। यहाँ z है यहाँ z क्यूब है, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चा। तो कितना हो गया, इट विल बी 9z क्यूब, अच्छा 9z क्यूब, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर देंगे तो 3 टेंस है कितना हो जाएगा, 30z स्क्वायर माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 30 और 27 को ऐड करना है बच्चा, बड़े डिजिट के सामने माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो, क्या हो गया 7, ये हो गया 5, ये हो गया 57z स्क्वायर माइनस 100z, है ना। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, अच्छा तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा माइनस। अब 3 के टेबल में माइनस कितनी बार, सॉरी 3 के टेबल 57 कितनी बार में आएगा, तो आप कहोगे सर 3 1 3 हो गया और 3 9 27 यानी 19 टाइम्स ले जाओ, 19 3 57, यहाँ जेड है यहाँ जेड स्क्वायर है, जेड कर दो तो 19z आ गया। बहुत ध्यान देना भैया, ये कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो 57z स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 19, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, 19 टेंस है कितना हो गया, 190z हो गया। ये नीचे वाला प्लस तो कैंसिल आउट हो गया, ये वाला प्लस, तो 190 में 100 जाएगा तो कितना आ जाएगा 90z, और यहाँ पर कितना है 300, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भाई ध्यान देना, 300 मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ 3 है यहाँ 90 है, हम किसका ध्यान देंगे, सिर्फ z वाले भैया का साथ दे ध्यान देंगे। तो यहाँ 3 है यहाँ 90 है, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस कर दो, 30 टाइम्स ले जाओ, 30 टाइम्स ले जाओगे तो कितना आ जाएगा
थर्टी थ्री ज़ा 90Z और 30 10 ज़ा कितना हो जाएगा सर 300 और ये आपका हो गया कैंसल आउट आके आ गया ज़ीरो। तो जब ये ज़ीरो आ गया तब क्या कर देंगे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र यानी कितना है 3Z प्लस 10 इंटू कोशेंट, कोशेंट कितना है 3Z स्क्वायर माइनस 19Z प्लस 30 प्लस रिमाइंडर ज़ीरो, कोई मतलब नहीं है उसका। अब आइए सर ये हो गया आपका 3Z प्लस 10, इनको सॉल्व करते हैं। बताओ इस मिडिल टर्म स्प्लिट करो कौन कौन सा टर्म है, 33 का कितना आ जाए 90, यानी कोई ऐसा नंबर हो तो इसको प्लस या माइनस करने पर 19 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 90 आ जाए। तो आप कहोगे 90 और 19 ऐसा कौन सा नंबर है, 90 और 19 तो देखते हैं 14 90 और 90 16 थ्री ज़ा भी नहीं होगा, 23 फोर ज़ा भी नहीं होगा, 24 10 और 9 हो जाएगा क्या, 10 और 9 तो 3Z स्क्वायर माइनस 10Z माइनस 9Z प्लस 30 हो गया। तो ये आपका हो गया 3Z प्लस 10। अब यहाँ पर क्या कॉमन कर लेंगे, तो स्प्लिट टर्म कर लेते हैं। एक काम करो इसको ना 10Z माइनस 9Z मत करिए, इसको 9Z माइनस 10Z कर लीजिए। अब कर लो यहाँ पर क्या कॉमन कर लेंगे सर, यहाँ पर 3Z कॉमन कर लेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा Z माइनस 3 माइनस यहाँ पर 10 कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा Z माइनस 3 और आंसर तुरंत आपका आ गया 3Z प्लस 10 और ये कितना हो गया Z माइनस 3 और 3Z माइनस 10। तो इस तरीके से बच्चा आपका आंसर आ गया, अगर आप 10 माइनस 9 करते तो फूफा जी नाराज़ हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। टोटल क्वेश्चन 17 है, 12 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी अच्छा है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या कह रहा है, दो फैक्टर दिया हुआ है ना, आपको बोला है कि दो फैक्टर इसके हैं और यहाँ से आपको ए और बी का वैल्यू बताना है। तो आपको जाहिर सी बात पता है कि एक बार इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, एक बार इसको पुट करेंगे, दो इक्वेशन बना करके दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस या माइनस कर देंगे, तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा उसके बाद क्या बोला है कि फैक्टराइज इट कम्प्लीटली, तो आइए करके देख लेते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक बार आप इसको दो बार लिखो, पहले एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, यहाँ पर भी सेम चीज़ लिख दीजिए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अब क्या करना है सर, एक बार x इज इक्वल्स टू 2 पुट करना है इसमें, इसमें क्या पुट करना है, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 पुट कर देना है, कर लेते हैं। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस बी और ये आपका क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, अब देखो सॉल्व करेंगे 8 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 2 2 4, 4 3 ज़ा कितना हो गया सर 12 हो गया, प्लस ये कितना होगा 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, 8 प्लस 2 12 कितना होगा 20, तो ये आपका हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस 20। इक्वेशन वन देखो 2a प्लस बी, 8 प्लस 12 20, उधर जाकर के माइनस 20, यहाँ पर माइनस 1 पुट कर दो तो माइनस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस ए इंटू माइनस 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0 हो गया, ये आपका हो गया माइनस 1 प्लस 3 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, देखो 3 में 1 गया तो 2 आ गया, उधर जा करके क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस 2, यहाँ माइनस कॉमन कर लो तो माइनस कॉमन कर लेंगे बच्चा, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो ए माइनस बी कितना आ गया 2 आ गया, इक्वेशन 2 बन गया। अब 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस 20 आ गया, ये माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 कितना आ गया 2, अब माइनस ए प्लस बी भी रहने दे सकते थे कोई दिक्कत नहीं, माइनस आपने कॉमन कर लिया तो ये हो गया ए माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया। चलो अब देखो, अब यहाँ पर माइनस बी है यहाँ पर प्लस बी है तो दोनों में क्या कर दोगे, तो आप कर दोगे एडिंग इक्वेशन 1 और 2। क्यों, क्योंकि ध्यान देना बच्चा, क्योंकि आपका यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो दोनों आपका प्लस हो जाएगा, इसीलिए क्या कर देंगे ऐड कर दोगे तो ये माइनस, तो ये आपका हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस 20 प्लस ये कितना है सर a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2, प्लस कर दोगे तो प्लस बी से माइनस भी गया 2a प्लस a कितना आ जाएगा 3a आ गया, अब माइनस 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा सर माइनस 18 हो गया, तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस 18 बाई 3, a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 6।
ए का वैल्यू माइनस सिक्स आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। और जब ए का वैल्यू माइनस सिक्स आ गया तो मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर टू में, पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन टू में पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना था, टू था। और यहाँ पर क्या कर दोगे, नाउ लिख दीजिए, है ना। फिर क्या कर देना है सर, ए की वैल्यू माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू टू। बी को उधर भेज दो, टू को इधर लेते आओ, तो b इज इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस टू। और b का वैल्यू कितना आ गया सर, माइनस एट आ गया। तो a का वैल्यू माइनस सिक्स, b का वैल्यू कितना आ गया, माइनस एट आ गया। अब क्या बोला था आपसे, फैक्टराइज इट कम्प्लीटली। तो इसके आगे यहाँ पर आपको करना है इस तरीके से, क्या करना है, अब देखो ये वाला जो इक्वेशन बना यहाँ पर a और b का वैल्यू पुट कर दोगे तो इक्वेशन क्या बन गया, ये आपका हो गया एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस a। a की जगह क्या पुट करना है आपको, माइनस सिक्स, तो कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स एक्स हो गया। बी की जगह पुट करना है माइनस एट, तो ये आपका माइनस एट हो गया। अच्छा, अब किससे डिवाइड करें सर इसको, तो बच्चा आप किसी से भी डिवाइड कर सकते हो, किससे, एक्स माइनस टू से भी कर सकते हो, एक्स प्लस वन से भी कर सकते हो। आओ मैं एक्स प्लस वन से कर देता हूँ, एक्स माइनस टू से भी आप कर सकते थे। क्या कर देंगे बताइए, क्या आ जाएगा क्वेश्चन आपका इस तरीके से, क्वेश्चन क्या आएगा, देखो एक्स है, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो बच्चा एक्स क्यूब प्लस कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, क्योंकि वन का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया, सिक्स एक्स हो गया। किससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, टू एक्स से कर दीजिए, टू एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, प्लस कितना हो जाएगा, टू एक्स। इस तरीके से ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस, माइनस सिक्स माइनस टू एक्स कितना हो गया, माइनस एट एक्स हो गया। यहाँ कितना बचा, माइनस एट बचा। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस है तो माइनस एट से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, माइनस एट एक्स माइनस एट। और ये आपका कितना आ गया सर, ज़ीरो। कट पिट के कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। जब ये ज़ीरो आ गया तब क्या करना है आपको पता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र, यानी कि एक्स प्लस वन। डिविडेंड कितना है, थोड़ा सा बढ़ा दिया, कोई मतलब नहीं है। एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एट। एक मिनट, सॉरी सर, सॉरी, गलती हो गई भैया। देखो यहाँ पर मैंने डिविडेंड को पुट कर दिया, जबकि आपको क्या पुट करना था, क्वोशेंट लिखना था ना, तो आपको क्वोशेंट लिखना था। तो ये एक्स प्लस वन हो गया, ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट। क्या कर देंगे सर, डिविडेंड निकाल दीजिए यहाँ से, तो x प्लस वन हो गया, स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट कर लो भैया, मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर 2 आ जाए। तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टू एक्स माइनस एट, तो ये कितना हो गया, x प्लस वन, ये कितना हो जाएगा, x कॉमन कर लेंगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, x प्लस फोर, माइनस टू कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस फोर, तो ये कितना आ गया, x प्लस वन, एक्स प्लस फोर, और कितना आ गया, x माइनस टू। तो देखो x प्लस वन और x माइनस टू गिवन था, x प्लस वन x माइनस टू गिवन था, तो आंसर कितना आ गया, x प्लस फोर। तो इस तरीके से आपने फैक्टराइज किया तो x प्लस फोर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दो तो ऑलरेडी गिवन था, तीसरा आपने निकाल लिया। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, तो वो भी सेम है, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था। चलिए फिलहाल इसको करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। अब अच्छा, आई एम श्योर कि इस वाले क्वेश्चन में आपको एक बहुत ही नई चीज़ जानने को मिलेगी। देखो यहाँ पर ये गिवन है, ये दिया रिमेनिंग फैक्टर, आपसे पूछा है तो क्या करोगे, क्योंकि पावर में 3 है तो x की तीन वैल्यूज आएंगी ही, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आई थी। तो यहाँ पर चलो सॉल्व कर लेते हैं। एक बार क्या रख देना, माइनस टू रख दो, तो x की जगह पर क्या रखोगे, माइनस टू, क्योंकि x प्लस टू है ना। तो ये आपका हो जाएगा माइनस टू क्यूब प्लस इंटू प्लस ए इंटू माइनस टू प्लस क्या लिख दोगे, b इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये कितना हो गया सर, माइनस एट माइनस टू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। तो क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस टू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू प्लस एट, माइनस टू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टू एट, इक्वेशन वन। यहाँ पर क्या कर देना है, माइनस थ्री तो थ्री पुट कर दोगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, थ्री क्यूब प्लस ए इंटू थ्री प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। तो क्या हो जाएगा, थ्री थ्री नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन प्लस थ्री ए प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। तो थ्री ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी सेवन, इक्वेशन आपका सेकेंड बन गया। यहाँ प्लस भी है, वहाँ पर भी प्लस भी है, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किस में से किसको करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन वन को टू में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा बच्चा, थ्री ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस, ये देखो टू ए है तो ये माइनस मिल गया, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस लिख दो, यहाँ प्लस लिख देना,
प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। क्या कर देना था, सब्ट्रैक्ट करना था, तो ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। 3a प्लस 2a कितना हो गया सर, 5a हो गया। इज इक्वल्स टू 27 और 8, क्या कर देना है, माइनस इंटू माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 27 और 8 कितना हो जाएगा सर, तो ये आपका 35 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई सर, 7, यानी कि माइनस 7, क्योंकि 5 7 जा 35, तो a का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 7। जब a का वैल्यू आपको पता चल गया तो b का वैल्यू आपको पता चल जाएगा, आपको सर बिल्कुल धूमधाम से निकाल लेंगे। a का वैल्यू मैं चलो इक्वेशन सेकंड में पुट कर देता हूँ, तो 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है, माइनस 7, प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 27, तो 7 3 21, तो माइनस 21 प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस 27, बी इज इक्वल्स टू माइनस 27 प्लस 21, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई सर, माइनस 6। ए का वैल्यू माइनस 7, बी का वैल्यू माइनस 6 आ गया। अब क्या कर देना है, फैक्टराइज कर देना है, तो आइए कर देते हैं। यहाँ पर क्या है आपका, पहले वैल्यू पुट करके इक्वेशन बना लो, पहले वैल्यू पुट करके इक्वेशन क्या बनाएंगे, ये आपका इक्वेशन बन गया एक्स क्यूब प्लस ए की वैल्यू कितनी है, माइनस 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 7x। ध्यान देना इस चीज़ को, माइनस 7x, मैं इतना दूर लिख रहा हूँ। प्लस बी यानी कि माइनस कितना आ गया, 6 आ गया। किसी भी एक नंबर से फैक्टर कर लो, आओ मैं x माइनस 3 से कर लेता हूँ। चलो x माइनस 3 से फैक्टर करते हैं आपकी बार। एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना बच्चा, कि यहाँ पर एक्स क्यूब तो है पर एक्स स्क्वायर नहीं दिया है। ये चीज़ के मतलब बहुत नई चीज़ आपको जानने को मिलेगी, समझिएगा। यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स है, एक्स स्क्वायर गायब है। जब यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो एक टर्म आएगा ही आएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, तुरंत आपको क्या लेट करना है, जीरो एक्स स्क्वायर। क्या कर लोगे, यहाँ पर लिखिए प्लस और यहाँ पर क्या लिखोगे, जीरो एक्स स्क्वायर, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करोगे तो जीरो ही होगा। तो हमें क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट चाहिए, इसलिए हम क्या लिखेंगे, जीरो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। किससे मल्टीप्लाई कर दें सर, एक्स स्क्वायर से कर दीजिए। एक्स स्क्वायर से कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, एक्स क्यूब आ जाएगा। माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे अभी बता दो। देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो 0 और 3, तो 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ गया ना। 0 में 3 को ऐड करोगे 3x स्क्वायर आ गया, यानी हमें x स्क्वायर कोफिशिएंट मिल गया। यहाँ पर क्या लिख दोगे सर, माइनस 7x। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर, यहाँ पर हम 3x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 जा 9x, है ना। माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस हो गया। 7 और 9, तो 9 माइनस 7 कितना आ गया सर, 2x आ गया। यहाँ पर माइनस 6 आ गया। अब क्या कर लोगे, किससे मल्टीप्लाई कर दो सर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको हो जाएगा 2x और 2 3 जा माइनस 6 माइनस प्लस, और ये आपका कटपिट होकर के कितना आ गया, 0। तो थर्ड फैक्टर निकालना है, थर्ड फैक्टर निकालने के लिए क्या कर दोगे सर, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर, यानी कि एक्स माइनस 3। क्वेश्चन कितना आ गया सर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस क्वेश्चन को आप इम्पॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये वाला चीज़ आपको धोखा दे सकता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब कितना हो जाएगा बच्चा, स्प्लिट द मिडिल टर्म करिए, एक्स माइनस 3, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 आ जाए मल्टीप्लाई करने पर, 3 आ जाए ऐड करने पर, तो सिंपल है 2x प्लस एक्स प्लस 2। तो आ गया आपका एक्स माइनस 3, ये कितना हो जाएगा सर, एक्स कॉमन कर लेंगे, एक्स कॉमन करते ही आपका आ गया एक्स प्लस 2, प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो एक्स प्लस 2 आ गया। दो फैक्टर आपको गिवेन, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2, तो देखो एक्स माइनस 3 आ गया, एक्स प्लस 2 आ गया, रिमेनिंग क्या बचा, एक्स प्लस 1, और ये आपका आ गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका सॉल्व, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, नई चीज़ सीखने को मिली होगी। मेरे लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि मैथमेटिक्स उनका भी इजी हो सके। चलिए 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चा आपको बोला है कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कहेंगे, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो कुछ फैक्टर वगैरह दिया नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चा जो लास्ट वाला टर्म होता है ना, लास्ट वाला टर्म को हम देखते हैं और देखते हैं कि इसका फैक्टर क्या क्या होगा, इसका मतलब 30 किसके किसके टेबल में आता है। तो 30 आप कहोगे सर, 30 तो हमारा 1 के टेबल में आता है, 30 हमारा 2 के टेबल में भी आता है, 33 के टेबल में भी आता है, 35 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, और किसके टेबल में आता है, 6 5 30 सर, 30 10 के टेबल में भी आता है और 30 में भी आता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब हम इसका वैल्यू चेक कर रहे होंगे तो हमारा वैल्यू 0 आना चाहिए, इस इक्वेशन में वैल्यू रखने पर 0 आना चाहिए। मान लो यहाँ पर मैंने 1 रख दिया, तो 1 क्यूब माइनस 19, तो 1 माइनस 19 माइनस 18 और माइनस 30 कभी 0 होगा, नहीं होगा। माइनस 1 रखने पर भी नहीं होगा। यहाँ पर मैं अगर 2 रखूँ,
तो 8 आ गया, 8 माइनस 19, 8 माइनस 19 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर माइनस 11, माइनस 11 और माइनस 30 कभी नहीं होगा। माइनस 2 रख करके देखें तो माइनस 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19 टू ज़ा 38, तो 38 कितना हो गया प्लस और ये हो गया माइनस आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या पुट करोगे, एक्स पुट करोगे, यानी यहाँ पर आप लिखोगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2, वो भी क्या माइनस 2 पुट करोगे। तो पुट करके देखिए क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2 क्यूब माइनस 19 इंटू माइनस 2 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, तो ये आपका गया माइनस 8 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 19 टू जा कितना हो गया सर 38 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब 38 माइनस 8 कितना आ गया सर, तो 30 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इसका एक फैक्टर कितना आ गया, माइनस 2 आ गया। अब माइनस 2 का मतलब क्या होगा कि x प्लस 2, माइनस 2 रखने का मतलब क्या हो गया कि ये आपका फैक्टर क्या होना चाहिए, x प्लस 2 ही तो होना चाहिए। अब जब ये आपको पता चल गया कि x प्लस 2 है तो क्या कर लो, इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा सर एक्स क्यूब। देखो फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह क्या कर लेंगे, 0x स्क्वायर कर लो। माइनस कितना हो जाएगा सर 19x माइनस 30 हो गया, और यहाँ पर किससे कर लोगे, x प्लस 2 से करके देखिए आंसर क्या आ रहा है। करने के बाद देखिए x प्लस 2 यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर लो सर, x स्क्वायर से कर लीजिए, तो x क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो गया, माइनस से कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस हो गया, तो माइनस 2x स्क्वायर आ गया सर। यहाँ क्या आ गया, माइनस 19x आ गया। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर, माइनस 2 और x से मल्टीप्लाई कर दो, तब कितना हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 4x हो गया, ये क्या हो जाएगा प्लस, कैंसिल आउट हो गया ये प्लस, 19 माइनस 4 कितना हो जाएगा, तो माइनस 15x हो गया। यहाँ कितना आ गया माइनस 30 आ गया, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे सर, माइनस 15 से कर दीजिए, तो माइनस 15x माइनस इंटू प्लस माइनस 30, ये प्लस कैंसिल आउट होकर के जीरो आ गया ना। जब ये आ गया तो क्या करना है, फैक्टर निकालने के लिए क्या कर देंगे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर, यानी कि एक्स प्लस 2 इंटू कोसेंट कितना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 415 प्लस रिमाइंडर यानी कि 0, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा आपका, ये आपका हो गया x प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, तो वो कर लेते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म, मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर 2 आ जाए, ऐसा कौन सा नंबर है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x माइनस 15, 3 5 15 और 3 5 कितना हो जाएगा 2, लेकिन देखो यहाँ पर क्या कर लोगे, माइनस लाना तो प्लस कर दो यहाँ पे, तो ये आपका हो गया x प्लस 2, क्या कॉमन कर लेंगे, x कॉमन कर लेंगे तो सर x प्लस 3 आ गया, माइनस 5 कॉमन कर लेंगे तो सर x प्लस 3 आ गया, तो आपका ये निकल करके आ गया आंसर x प्लस 2, x प्लस 3 और x माइनस 5। ठीक, तो इस तरीके से आपको देखना है कि फैक्टर क्या हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, लास्ट में क्या दिया हुआ 27 किसके किसके टेबल में आता है, तो सर 1 में आता है, 3 में आता है, और किस में आता है, 9 में आता है, और आता है क्या 6 में भी आता है, नहीं 6 में नहीं आता है, 9 में ही आता है, फिर किस में आएगा, फिर आपका आ जाएगा 13 2 26 और 27 में ही आएगा, और किसी टेबल में नहीं आएगा ना, 9 3 27 3 9 27 नहीं, ठीक चलो ठीक है, तो 9, 3 और 1 में आ गया। अब क्या पुट करने पर आंसर आएगा, देखो यहाँ पर 1 पुट करें तो 1 + 7 8 हो गया, और ये नहीं हो पाएगा। 3 पुट करके देखते हैं, 3 3 9 27 27 यहाँ पर हो गया 9 9 7 63, तो 27 + 63 -21 आई करके देख लेते हैं, एक बार पुट करके देख लेते हैं, और 3 पुट करके देखते हैं, 3 रफ वर्क करके 3 पुट करके देखोगे तो कितना आ जाएगा सर, ये आपका आ जाएगा 27 + 7 × 9 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, माइनस ये 21 3 कितना हो जाएगा, ये भी 63 हो जाएगा -27। देखो 63 से 63 गया, 27 से 27 चला गया, इसका मतलब कि क्या बन जाएगा सर, x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, तो x की वैल्यू आपको पुट करनी है +3, x का वैल्यू क्या पुट कर लोगे +3, तो जैसे ही आपको x का वैल्यू कितना मिल गया सर, x का वैल्यू आपको +3 मिल गया, इसका मतलब इक्वेशन क्या रहा होगा, x माइनस 3 रहा होगा, x माइनस 3 रहा होगा, तभी नहीं आया है आपका, चलो ठीक है, तब क्या कर लेंगे इसको सॉल्व करो, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 27 ये कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे पुट कर लेना है आपको x माइनस 3, सॉल्व करके एक और टर्म हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर
ठीक, कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस हो गया, तो 7 + 3 कितना हो गया, 10x² - 21x। मैं उम्मीद कर रहा हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको समझ में आ गया होगा, आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना भैया। प्लस किससे मल्टीप्लाई कर लो, 10x से कर लो, तो ये आपका हो जाएगा 10x² - 30x। अब क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस हो गया, 21 + 30 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 9x - 27। किससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9x - 27 कट पिट करके कितना आ गया सर, 0 आ गया। अब सेम वाई टर्म यूज़ करना है आपको, क्या डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर यानी कि x - 3 इंटू कोशेंट यानी कि x² + 10x + 9 इज इक्वल्स टू 0। तो दो ऐसा नंबर बताओ प्लस या माइनस करने पर 10 आ जाए और मल्टीप्लाई करने, सॉरी प्लस या माइनस करने पर 10 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाए, तो आप कहोगे कि सर ऐसा कौन सा नंबर है, तो ये आपका हो जाएगा x² + प्लस या माइनस करने पर 10 मल्टीप्लाई करने पर 9, 3 × 3 = 9। हाँ, ऐसा कौन सा नंबर है, कुछ गलत हुआ क्या, x - 27 हो गया 9। तो सर सिंपल है, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं 9x + x + 9, तो 9 + 1 = 10 हो गया, और 9 बन जाए कितना हो गया 9, तो ये आपका हो गया x - 3। ये कितना हो जाएगा सर, x कॉमन कर लेंगे तो x + 9, प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो x + 9, तो आंसर कितना आ गया आपका निकल करके, x - 3, x + 9 और x + 1। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 15 के दो पार्ट्स हो गए सॉल्व। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी दो पार्ट सॉल्व करके आपको बता देते हैं। अब देखिए बच्चा, सिंपल टर्म आ गया, यहाँ पर लास्ट में 5 आ गया, 5 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो 1 और 5 ही होगा, 1 रख करके देखते हैं। 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 - 3 यानी -2, -2 - 9 नहीं हो पाएगा। चलो 5 रख करके देखते हैं, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 रख करके देखते हैं, ये आपका आएगा 125 माइनस ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 3 × 125 माइनस 9 × 5 = कितना हो जाएगा सर, 9 × 5 = 45 माइनस 5 0 आएगा क्या, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 5 नहीं, 0 नहीं आ पाएगा। 1 रख करके ही देखते हैं, आ जाओ 1 रख करके देखते हैं क्या होता है, या -1 रख लो, -1 रखोगे तो -1 ये कितना हो जाएगा सर, -1 और ये आपका हो जाएगा -3 और ये कितना हो जाएगा +9 - 5, तो -3 - 1 कितना हो जाएगा सर, -4, -4 - 5 कितना हो गया, 9 - 9, इसका मतलब कि ये फैक्टर क्या होगा, -1 यानी आपको क्या लेना है, -1। तो -1 रखने पर क्योंकि आंसर आ रहा है, तो आपको टर्म क्या मिल गया, आपको मिल गया x + 1, फैक्टर क्या मिल गया आपको, x + 1 मिल गया। आइए अब सॉल्व कर लेते हैं, -1 आपने रखा तो x = -1, क्योंकि x + 1 = 0 करोगे ना तो x + 1 ही आएगा, तो ये आपका कितना हो गया, x³ - 3x² - 9x - 5, ये कितना हो गया, x + 1 रख करके पुट करके सॉल्व कर लो। चलिए x² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आ गया होगा, है ना, ये आ गया, माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो जाएगा सर, ये भी हो गया आपका माइनस, तो -4x² - 9x - 4, एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -4x² - 4x हो गया, ये प्लस हो गया, कैंसिल आउट हो गया, प्लस हो गया, तो 9 - 4 कितना हो गया, -5x, ये कितना हो गया, -5, -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5x - 5, प्लस कैंसिल आउट होकर के 0 हो गया। अब क्या कर देंगे, एज यूजुअल डिविजिबल डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर यानी x + 1 इंटू डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट, तो x² - 4x - 5। बताइए जल्दी से कोई दो नंबर जिसको प्लस या माइनस करने पर 4 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 5 आ जाए, ये आपका नंबर हो जाएगा x² - 5x + x - 5, तो x + 1 हो गया, ये कितना हो गया सर, x कॉमन कर लेंगे आप, x कॉमन करेंगे तो x - 5, प्लस 1 कॉमन कर लो तो x - 5, यानी कि 3 टर्म क्या आ गया, x + 1 दो बार आ जाएगा, तो x + 1² और x - 5, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम इस क्वेश्चन में करते हैं, देखो यहाँ 6 आ गया, 6 किसका किसका फैक्टर है, 1, 2, 3 और खुद 6 का है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख लो, चलो 2 पुट करके देखते हैं, 2 पुट करोगे तो 2 × 8 + 9 × 4 + 7 × 2 - 6 देखते हैं, 2 × 8 जाए कितना हो जाएगा, 16 नहीं हो पाएगा, नहीं आएगा, बहुत लंबा चौड़ा हो गया ना। माइनस अगर रख दिया जाए तो माइनस रखें तो -2 - ये तो +4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, देख लेते हैं,
हो जाएगा प्लस माइनस 16 और 9 फोर ज़ा 36 माइनस 7 टू ज़ा 14 माइनस 6 तो माइनस 14 माइनस 6 माइनस 20 माइनस 20 और माइनस 16 माइनस 36 माइनस 36 प्लस 36 माइनस 36 प्लस 36 इज इक्वल्स टू ज़ीरो यानी माइनस 2 पुट करने पर आ रहा है तो माइनस 2 का मतलब कितना हो गया सर x प्लस 2 यहाँ पर लिख दो 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 यानी क्या आ गया सर x प्लस 2 क्योंकि x माइनस 2 रखने पर वैल्यू आपका आ गया तो प्लस माइनस दोनों रख करके आप चेक करेंगे ये आपका कितना हो गया सर 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x क्यूब हो गया प्लस 2 टू ज़ा 4x स्क्वायर माइनस ये कैंसिल आउट हो गया माइनस कितना आ गया सर 5x स्क्वायर प्लस 7x तो किससे ले जाओ तो प्लस 5x से ले जाइए तो ये आपका हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5 टू ज़ा 10x माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया माइनस 3x माइनस 6 आ गया माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 3x माइनस 6 कट पिट आकर कितना आ गया 0 अब फिर क्या कर दीजिए सेम वही काम करना आपको डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर यानी कि x प्लस 2 इंटू क्वेश्चन यानी 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 ये आपका आ गया x प्लस 2 स्प्लिट द मिडिल टर्म 6 आ जाए और 5 आ जाए तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x माइनस 3 तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर क्या कॉमन कर लेंगे सर यहाँ पे x कॉमन कर लेंगे सर तो 2x प्लस 3 आ गया गलत हो गया क्या 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 3 टू 6 नहीं आ रहा है जब ना आए ऐसा करने पर तो क्या करोगे तुरंत वैल्यू चेंज करिए जो मिडिल टर्म का वैल्यू था उसको चेंज कर लीजिए क्योंकि और भी तो ऑप्शन है ना भाई तब क्या हो जाएगा तो सर 2x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा प्लस 6x माइनस x माइनस 3 तो ये कितना हो जाएगा 2x आपने कॉमन कर लिया तो कितना आ गया x प्लस 3 आ गया माइनस 1 कॉमन कर लीजिए x प्लस 3 आ गया तो आंसर कितना आ गया x प्लस 2 x प्लस 3 और 2x माइनस 1 तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया तो जब ना आए तो तुरंत आपको वैल्यू क्या करना है चेंज कर लेना है क्योंकि आपको क्या लाना था 6 लाना था और 5 लाना था तो 6x माइनस x कर लिया फिर भी आपका वैल्यू आ गया तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर कौन सा था 15 भी होगा सॉल्व दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं इसके भी कुछ सब पार्ट्स हैं चलिए इसको इरेज करके वो सॉल्व करके बता देना पसंद आ रहा वीडियो लेक्चर तो लाइक करना चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अब बच्चा क्वेश्चन नंबर 16 और इसके बाद केवल एक क्वेश्चन बचा क्वेश्चन नंबर 17 उसको भी करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि x माइनस 3 इन दोनों का फैक्टर है 6p प्लस 5q का वैल्यू निकालना है x माइनस 3 का मतलब क्या हो गया x इज इक्वल टू 3 पुट कर दो इक्वेशंस में ये कितना हो जाएगा सर 3q माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस पी इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 माइनस 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा कितना हो जाएगा 18 प्लस 3p प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 तो 3p और 27 माइनस 18 कितना हो जाएगा सर 9 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू 0 तो p की वैल्यू कितनी 3p इज इक्वल्स टू आ गया माइनस 15 p का वैल्यू कितना आ गया माइनस 15 अपॉन 3 कटपिट कर लीजिए तो p इज इक्वल्स टू आ गया माइनस 5 p का वैल्यू माइनस 5 आ गया q का वैल्यू निकालना है यानी q सॉल्व इक्वेशन में पुट कर दीजिए भाई इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू तो ये आपका हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 5 3 ज़ा 15 प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 अब 15 में 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चा तो 15 में 9 जाएगा तो आपका आ जाएगा 6 है ना और ये आपका कितना हो जाएगा क्यू इज इक्वल्स टू प्लस 6 क्योंकि यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 6 उधर जा करके प्लस 6 तो p का वैल्यू माइनस 5 q का वैल्यू 6 तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो यहीं कर देता हूँ ये टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसकी वैल्यू निकालनी बच्चा 6p प्लस 5 q का वैल्यू निकालना है तो 6 इंटू क्या रखेंगे माइनस 5 6 इंटू माइनस 5 प्लस 5 इंटू क्या रख दोगे 6 रख दोगे तो 6 5 ज़ा माइनस 30 प्लस 30 इसका वैल्यू कितना आ गया 0 ये हो गया आपका आंसर यानी यहाँ पर आपने क्या किया x इज इक्वल टू 3 इसमें भी पुट कर दिया इसमें भी पुट कर दिया p और q का वैल्यू निकाल दिया फिर क्वेश्चन में पुट कर दिया आपका आंसर क्या आ गया 0 चलिए इसको इरेज करते हैं सबसे हलवा क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन 17 है इसको इरेज करते हैं उसको सॉल्व करके आपको बता देते हैं अब देखो बच्चा मैंने इस क्वेश्चन को एकदम हलवा क्यों बोला है वो आप समझो देखो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है क्या नंबर इसमें सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा नंबर इससे डिविजिबल हो जाए किस नंबर को इसमें ऐड कर दें कि हमारा जो वैल्यू है इससे डिविजिबल हो जाए
कुछ नहीं करना है यार, देखो क्या करना है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, जो वैल्यू गिवन है बस वही लिख देना है शांति से। क्या पहले x इज इक्वल्स टू कितना रखोगे, x प्लस फोर इज इक्वल्स टू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस फोर। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस फोर रखना है। बट एक काम उससे पहले आपको करना है, वो क्या, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस एट्टी, क्या सबट्रैक्ट करें कि हमारा फैक्टर ये आ जाए, तो माइनस ए कर दो। माइनस तुरंत क्या कर दीजिए सर, यहाँ पर आप ए कर दीजिए। यहाँ पर क्या दिया इक्वेशन, समझ गया होगे आपकी क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस नाइनटीन, क्या ऐड कर दें इसमें, कौन सा ऐसा नंबर ऐड कर दें कि हमारा ये एक्स माइनस टू से फैक्टर हो जाए, तो प्लस ए कर दो, इज इक्वल टू जीरो कर दो, बना लो इक्वेशन। अब चलो माइनस फोर रखिए, तो माइनस फोर क्यूब माइनस सिक्स इंटू माइनस फोर स्क्वायर माइनस फिफ्टीन इंटू माइनस फोर प्लस एट्टी इज इक्वल्स टू ए कर दो। फोर फोर या सिक्सटीन, फोर जा माइनस सिक्सटी फोर माइनस सिक्स इंटू फोर, फोर जा सिक्सटीन, लिख लो पहले सिक्स इंटू फोर, फोर जा सिक्सटीन, ये कितना हो जाएगा प्लस सिक्सटी हो जाएगा, प्लस एट्टी इज इक्वल्स टू कितना हो गया है, अब माइनस सिक्सटी फोर, अब इसको कर दो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा सिक्सटीन सिक्स जा नाइन्टी सिक्स प्लस सिक्सटी प्लस एट्टी इज इक्वल्स टू ए, तो कितना आ जाएगा देखो, माइनस सिक्सटी फोर माइनस नाइन्टी सिक्स, तो नाइन्टी सिक्स में फोर ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा सर, वन हंड्रेड, तो ये कितना हो गया, वन हंड्रेड एंड सिक्सटी। अब हम वन हंड्रेड सिक्सटी में सिक्सटी को आप क्या कर दो सर, यहाँ पर लिख लो इसको, माइनस वन हंड्रेड एंड सिक्सटी प्लस सिक्सटी प्लस एट्टी इज इक्वल्स टू ए, तो 160 में 60 जाएगा तो कितना आ जाएगा सर, माइनस 100 प्लस 80 इज इक्वल्स टू ए, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, माइनस 20, ये आपका हो गया आंसर। यहाँ क्या कर दोगे, आप सॉल्व कर लेते हैं, टू पुट कर देना है बस, तो ये आपका हो गया टू क्यूब माइनस थ्री इंटू टू स्क्वायर माइनस ट्वेल्व इंटू टू प्लस 19 इज इक्वल्स टू माइनस ए, या प्लस ए इज इक्वल टू जीरो ही रहने दो, प्लस ए इज इक्वल्स टू जीरो ही रहने दो। चलो देख लो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4, 4 थ्री जा कितना हो गया सर, 12 हो गया, माइनस कितना हो गया, 12 टू जा 24 प्लस 19 प्लस ए इज इक्वल्स टू जीरो, तो अब 24 और 12 कितना हो गया, या फिर चलो एक काम करो, 12 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 4, माइनस 4 माइनस 24 कितना हो गया, माइनस 28, माइनस 28 प्लस 19 इज इक्वल्स टू माइनस ए कर लीजिए, क्योंकि ये उधर जाके माइनस ऑलरेडी हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 28 में 9 जाएगा तो आपका क्या, माइनस 9 इज इक्वल्स टू माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना आ गया सर, 9। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ए का वैल्यू माइनस 20 आ गया, यहाँ पर ए का वैल्यू 9 आ गया। बच्चों अगर वीडियो लेक्चर में आपको मज़ा आया हो पढ़ करके तो ज़रूर लाइक करिएगा और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व कर रहे होंगे। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो लेक्चर आपको कैसी लगती है। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 7 से लेकर ये क्लास 10 तक का मैथमेटिक्स के साथ साथ साइंस के भी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ज़रूर देखिए, एक्सप्लोर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।